क्या सोच रहा है, कैसे परेशान है? अरे यार मैं ये सोच रहा हूँ, भारत की खोज किसने की? तुझे ये ना पता, भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। वास्को डी गामा ने की? अबे क्यों की, किस लिए की? मुझे बता, तेरे गाने में बहुत चुल है, तू पूरी कहानी सुन। वास्को डी गामा जो थे एक बहुत बड़े खोजकर्ता थे, सारा दिन कुछ ना कुछ खोजते रहते थे। मुसाफिर कहाँ से आए हो, पहले तो कभी नहीं देखा। पुर्तगाल से। किस काम के लिए, कैसे? भाई साहब मैं बहुत बड़ा खुजाई हूँ, मैं खोज करता हूँ। यहाँ पे 400 साल पहले एक नदी थी। थी तो हमारे दादा के परदादा बताते थे, वो अब तो सूख गई। तो भाई साहब उसमें हमारे दादा के भी परदादा नहाने को आए थे, तो जने बेध्यानी में जने कैसा रही वो, ये लगा लो 2-3 दिन पहना हुआ अपना न्यू बिल्कुल माचो का कच्चा, और एक लाइफ बॉय का नया साबुन पैकेट भी नहीं फाड़ा उन्होंने, यहाँ पर भूल के चले गए। मैं उसे ही खोजना आया हूँ यार। अबे भोसड़ी के, यहाँ जब नदी न रही तो कच्चा क्या माच दागा, शाम होने से पहले पहले घर को चला जा, अन्य जानवर इतनी गांड मारेंगे कच्चा पहनने लायक न रहेगा। इनकी कहानी तो बहुत इंटरेस्ट होने वाली है, लेकिन अपनी जिंदगी मजाक बनी पड़ी है। क्यों, क्या हो गया? अरे भाई साहब बहुत ज्यादा परेशान हूँ जॉब को लेकर। अबे तो तू रिलेवल यूज करना। रिलेवल, ये क्या है? रिलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आपने इंटर कर लिया है और परेशान हो जॉब को लेकर, इसमें एक सिंपल सा टेस्ट देना होता है और जॉब मिल जाती है। तुझे यकीन नहीं हो रहा होगा ना? ना। सार्थक, शुभम और निशा ने भी ऐसे ही जॉब ली है, और साथ में बहुत सारे कैंडिडेट ने भी। अच्छा जी। ये है रिलेवल बाई अनअकैडमी के कैंडिडेट। निशा ने अपने 10 साल के करियर के गैप के बाद अपना करियर बिजनेस डेवलपमेंट में स्टार्ट किया। सार्थक ने कॉमर्स चूज करने के बाद अपना करियर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्टार्ट किया। शुभम ने अपनी यूपीएससी की तैयारी के बीच में ब्रेक लेकर प्रोडक्ट मैनेजमेंट में अपना करियर स्टार्ट किया, रिलेवल पर टेस्ट देकर। ये तो बहुत बढ़िया है भाई। चाहे फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आपको अपना करियर सही ट्रैक पे लाना है तो रिलेवल इज द बेस्ट फॉर यू। रिलेवल के थ्रू स्विगी, ओला, अपग्रेड ऐसी 200+ कंपनियों में प्लेसमेंट हो सकती है, और ये भी फर्क नहीं पड़ता आप इंडिया में कहां से बिलोंग करते हो, अगर आप एलिजिबल हो सही प्लेसमेंट के लिए। और तो रिलेवल की तरफ से प्लेस कैंडिडेट को गुडीज भी मिलती है। हर महीने टॉप 3 कैंडिडेट को मिलते हैं आईफोन, एप्पल वॉच, मैकबुक और भी बहुत सारी गुडीज। रिलेवल ने 30 करोड़ वर्थ की जॉब डिलीवर की है ऑल ओवर इंडिया, और इसकी होर्डिंग भी देखने को मिल जाती है अप्रोच इंडिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो और साइन अप करो रिलेवल के साथ, अगर आपको इंडिया की टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना है तो। ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई डिग्री, सिर्फ स्किल्स, गो चेक इट आउट। अरे यार मैं भी साइन अप करता हूँ। चल अब तू कहानी शुरू कर। किंग, क्या हुआ? वो आपका दही था बेटा, जिससे आप जरा जान से मोहब्बत करते हो, वो सुबह की चाय पी के निकला हुआ है, अभी तक नहीं आया। अरे सुबह की चाय पी के तो निकला है, आ जाएगा आराम से यार। अबे ओ, परसों सुबह की। तुरंत किसी को ढूंढने भेजो। जॉन और पीटरसन ढूंढने गए पर उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। मैंने सुना है एक वास्को डी गामा नाम का खोज करता है, वो मेरे बेटे को खोज लाएगा, तुरंत उसे यहाँ लेकर आओ। कौन हो आप? मैं थॉमस, फ्यूचर टेलर। फ्यूचर टेलर? अबे इश्तियाक टेलर, ज्योति टेलर, चरण टेलर, ये तो सुने, फ्यूचर टेलर तो हमने आज तक नहीं सुना। ओ समझ गया, तो आने वाले समय का दर्जी है। अबे एक जोड़ी कुर्ता सिल यार, मेरा बहुत टॉप वाला। अबे भोसड़ी के, फ्यूचर टेलर मतलब भविष्य बताने वाला। थॉमस सर तुम बता सकते हो मेरा बेटा कहाँ है? परेशान मत हो, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं जाती है। वास्को डी गामा नाम का एक शख्स आने वाला है, तेरे बेटे को मिनटों सेकंडों में ढूंढ देगा। कोलंबस हाजिर है। कोलंबस, तुम तो करे वास्को डी गामा आने वाला। पहले पूरी मेरी बात तो सुन लेते तुम, वास्को डी गामा उर्फ कोलंबस आने वाला है। अरे मैं कोलंबस हूँ, वास्को डी गामा दूसरा साला मैं छेंदा। हट ता साले, गलती कर रहा भविष्यवाणी, साले मिजोरी कर रहा, खुद का बेटा खो गया, इनसे ढूंढवाओ बाता बना रिया। हाँ भाई तू वास्को डी गामा क्यों नहीं लेके आया भाई? बहन कलन 400 मांग रहा, 200 में लाया अपने यार को। कोलंबस नाम है मेरा, इतिहास में आज तक ऐसी कोई सी चीज नहीं जो मुझसे चपरी हो। राजा साहब बस मुझे 15 मिनट दे दो, दुनिया के किसी भी कोने में होगा ना आपका बेटा, उसे ढूंढ लाऊंगा मैं। जल्दी लेकर आओ। राजा साहब जब से आया हूँ नाश्ते का जिक्र नहीं करा बिल्कुल भी। करवाएंगे, दिक्कत ना लो। क्या रहा भाई? चपर गया, तुम मुझे 1 घंटा और दो, साले को ढूंढ लूंगा। मेरी भविष्यवाणी तो ये कहती है वो लोंडिया के चक्कर में कुछ ज्यादा दूर चला गया, मेरे राज है फ्रांस के पास। अच्छी है जी, चिट्ठी आई रखी है, अपनी नानी के घर गया। हाँ तो सही तो कह रही हूँ मैं, मामू की लोंडिया सेट कर रखी होगी कोई सी, इस मारा गया।
अबे साले सारे मामू की लौंडिया की शादी होगी उसकी। हाँ तो उसने शादी सुधा सेट कर ली होगी। जब मैं वहाँ 400 रुपए में बात तय करी आया तो तू 200 में क्यों करी आया? जितना टैलेंट तुझमें है ना इतना तो मेरी एक दाढ़ में है। हम तो एक आड़ में रखे हैं। पूरे दिन में 200 रुपए कमा है, वहाँ ज्यादा देर में 200 मिल गए। साले बाबला बिल्कुल, हमने वहाँ अपनी मार्केट बना रखी, नाम बना रखा, जहाँ तू एक मिनट में जाकर खराब कर आया। ए साले तुम तो मुंह फटो। तू तो गाल फटा साले। तू कौन है बे? लगड़ जाया। मैं एक लेखक हूँ, तुम दोनों की कहानी लिख रही हूँ। आने वाले समय में हिस्ट्री के पेपर में तुम दोनों के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड के एग्जाम में। चल तो फिर ठीक है, ये गाली पाली मत डालिए ना, तो आगे चल के बच्चों के भविष्य में दिक्कत आ गई यार। लिख लिख। थॉमस जी। थॉमस सर। अरे बिल्कुल ठीक जगह आई हो तुम। मुझे पता है तुम किस परेशानी में आई हो और किस किस की बहू हो। बताओ किस किस की बहू है? तुम कोलंबस की हो, ये वास्को डी गामा। और ये लियाकत की। गलत। मैं कोलंबस की हूँ, ये वास्को डी गामा की, और ये स्टीफन की। अरे मुझे पता है तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहा है, आओ अंदर आओ, इलाज करता हूँ तुम्हारा इलाज। रोज इतवार को आया करिएगा नी। मेरी जान आ जाएगा, मजा 35 साल हो गया दुग्गी को लिए हुए। थॉमस तुम्हें किंग बुला रहे हैं। इतना टाइम ना है, चल। अगर 5 मिनट में ना पहुंचे तुम्हारा सर कलम कर देंगे। आ गया हरामी तू, आज तू मुझे ये बतला दे मेरे बच्चे कब होंगे। एक सुबह से मेहनत मजदूरी करके आ रही हूँ, तुझसे ये ना पूछा गया कुछ खाओगे ना खाओगे। मेहनत मजदूरी कर लिया, पल्ले वाले कमरे में ना पड़ावा तू थाली सुबह से। तू ये बता तेरे जी में क्या है, अपने जी की बता तू। मेरे जी में ये है, मेरी सहेलियों के किसी पे 2 दर्जन बच्चे है, किसी पे 1 दर्जन है। मेरी गोद कब तक सुनी रहेगी, मुझे भी औलाद चाहिए बस। मैं कहाँ से लाऊं बच्चा? या तो तुम यूँ कहते मुझसे ना होने का, मैं चली जाऊंगी बाहर, बहुत लौंडे हैं। चली जाएगी बाहर, साली टांगे काट दूंगा। भाड़ू साफ साफ बता दे मुझे, तू छक्का है मीला ये तेरे अंदर जानना नपुंसक है। साली मेरी कमी बता रही है, कमी तेरे अंदर भी तो हो सकती है। मेरी बात को सुन ले, हमेशा सड़क नहीं घिसती, गाड़ी का ही पेट्रोल खत्म होता। मेरी सड़क बहुत शानदार है, अपना पेट्रोल चेक कर गया। गलती तेरे माँ बाप की है, सालों ने दहेज में टीवी दे दिया, फ्रिज दे दी, वॉशिंग मशीन दे दी, 8-10 बच्चे ना दिए गए उनसे। बदतमीज, तेरी इज्जत के खातिर बच्चों की नहीं ले गई मैं, वरना 6 बच्चे थे मुझ पे पहले। हाँ मेरी किस्मत फूट गई, मुझे ना पता था तू साली दहेजन है। सुवर तेरी अम्मा यो कह देती कि लौंडिया रंडी है, पहले ही चली भी खूब। मैं तो इस मारे ना लेके आई। बताऊं तुझे अभी काटू टांगे। जब भाड़ू जाके लेट जा, अन्नी सुअर बनाने में 2 मिनट लगेंगे मुझे। रुक जा खाली पेट में, भी कुछ खा दूंगा बताऊंगा। रोशनी के हराम के चुदे रहे, तूने बहुत जन्म दुखी कर लिए। अबे अपने अब्बू के घर को चली जाइए, जाओ हम ना रख रहे आज। अरे आ यार थॉमस, आज इन्हें जना कैसा बुरान छूट गया। कोलंबस वास्को डी गामा, अभी यार तुमसे मुझे एक बात कहनी थी। तुम्हारी बहुत बड़ी सेक्सी माल हो रही है यार। तुझे कैसे पता? इतवार के दिन मेरे पास आई थी इलाज के लिए, बच्चे नहीं हो रही, ये समझ लो मुझे अर्जेंट काम पड़ गया था। 31 तो मैंने खींच दी थी, बस पिल होनी बाकी रह गई। ओहो तो तेरी वजह से हमारे घर में लड़ाई हो रही है। कोलंबस सेंटी उठा। मेरी बात सुन लो दोनों के दोनों कान खोल के, मेरी भविष्यवाणी चाहे सारी गलत गई हो मगर एक भविष्यवाणी गलत नहीं जाएगी। कौन सी? तुम्हारी बीवी का बच्चा कोई और ही करेगा। किंग लेजेंडर, तुम भारत के मसालों का बहुत चटकारा ले रहे हो, अब चटकारा लेना बंद। अजी मेरा लंच, क्या बात हो गई? तुम्हें तो मालूम है भारत जाने का एक ही रास्ता है, वो भी हमारे दुश्मन देश तुर्की से होकर गुजर गया। तो क्या हुआ? वो तुम्हारा छोटा वाला भैया ना, उनने उनसे मुजोरी कर ली, साले ने अपना मुंह तो छितवाया छितवाया, साथ में हमारा भी छितवाया। अब वो कह रहा है इधर को दिखाई मत दे जियो, सालों टांगे काट दूंगा। कोई बात नहीं स्टीफन, कोई बात नहीं, हमें भारत के मसालों से ज्यादा अपने लोगों की परवाह है। भारत के मसालों की क्या है, वो तो हम अपने देश में भी उगा लेंगे। वही जैसे मुझे अपने देश में भी कह लेंगे, वो खुशबू वो महक कहाँ चलाओगे, अपने गांव में चलाओगे। हैं भाई हम तो ना वो जाएंगे उसमें के मसाले हैं। गान गर्दन एक हो जाएगी फिर भी वो मजा ना आने का। क्या हुआ सिस्टर, कैसे चुप चुप बैठी हो? क्या बताऊं, जब से भारत के मसाले बंद हुए ना बहुत जिंदगी जहन्नम बन गई। क्यों क्या बात होगी सिस्टर? रात से बहुत दिमाग खराब है मेरा, तेरे भाई बड़ा अच्छा शानदार गोश्त लगाए थे 300 रुपए का, इतनी लागत लगा के मैंने बनाया बड़े दिल से, जरा जायके का ना हुआ। ये लगा लो, जब मैंने उनको करके दिया ना उन्होंने एक निवाला मारा और हर निवाले पे एक लात मार रहे थे मेरे। जो हाल तुम्हारा वही हाल हमारा,
यहाँ रो के दो पैसे का फायदा नहीं है। रोना है तो किंग अलेक्जेंडर के पास जाके रो, वही कुछ करेंगे। आओ चलो। कैसे आना हुआ? किंग गैस सिलेंडर। हट, बदतमीजी क्या, ये नाम थोड़ी है इनका, किंग स्प्लेंडर प्लस ये है। तुम मुझे बस किंग कहो। किंग, तुम्हें हमारी डिमांड पूरी करनी होगी। क्या डिमांड है तुम्हारी? भारत का मसाला ना आने की वजह से हड्डियां फूट रही हैं, हड्डियां टूट रही हैं। ये लगा लो रोज 6-7 निकाह टूट रहे हैं, तलाक हो गया है, रोज तलाक, पति लोग तलाक दे रहे हैं। हम सबको वहाँ के मसालों के बिना ही रहना होगा। पहले मुझसे भी नहीं रहा जाता था, अब मुझे देख लो, मैं भी रह लेता हूँ। मैं भी रह लेता हूँ, मुझे देख लो आप। हमारी जूती ऐसी मारूंगी फेंक के सिर में, हम जानते रहेंगे। तूने गोदाम भर रखे पहले ही मसालों से। ऐसा है, या तो हमारी डिमांडे पूरी कर दे, वरना तेरे छोटे वाले भैया को किंग बना देंगे, बहुत दिनों से कह रिया हो। अरे तुम पागल हो कैसे? मैं अभी ट्रेड मिनिस्टर को बुला के उनसे बात करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। क्या बात भाई डेविड, भारत से व्यापार क्यों बंद है? शुरू करवाओ यार। देखो जी, जमीनी रास्ते से तो भूल जाओ, हमारे दुश्मन गाड़ मार लेंगे हमारी। अगर जाना है तो समुद्री रास्ते जाना होगा। समुद्री रास्ता? वो तो किसी ने देखा भी नहीं, कौन जाएगा वहाँ? वास्को डिगामा जाएगा, मैं भारत को खोज कर इतिहास बना दूंगा। भारत की खोज कोलंबस करेगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा भारत की खोज कोलंबस ने की। ओ साले, फिर पार्टी काटने आ गया तू? पर क्या है तू? मैं खुजैया हूँ। गाड़ खुजाने से अलावा अब तक कुछ खोजा है? तो तूने क्या खोजा? मैंने क्या खोजा? अबे जानवर, तेरी बहू के 5 बॉयफ्रेंड थे, छठे को खोजने वाला कौन? इट्स मी। एक दिन तेरी बहू की 36 नंबर की बिरा और खिलखिलाती हुई लाल कलर की चड्डी बंदर ले गया था, वो किसने खोजा? इट्स मी। एक दिन 18 घंटे लगातार ढूंढने के बाद तुझे तेरी बहू नहीं मिली, उसे सद्दीक भाई के खेत में आपत्तिजनक हालत में खोजने वाला। इट्स मी। मैं चल भोपड़े के, यूं ही तो तेरे सामने मुंह ना खोलता हूँ मैं, हर जगह हमारे घर के राज खोलता, यही ना देखता कहाँ खड़े काना। साले अक्कड़ बेचिए, किंग अलेक्जेंडर का लोना खोया, तूने 400 रुपये मांगे ढूंढने के और मैंने 200 रुपये। हाँ ये लड़का बढ़िया है, ये जाएगा भारत की खोज करने। अबे किंग, इतना बड़ा फैसला करने से पहले बड़ों की राय तो ले ले यार, ये बिल्कुल दिमाग नहीं है बाबले हो। अबे एक बात बता, तू तेरी राय लेके या तुझसे भविष्यवाणी करवा के कौन से हल जोत लिए हमने? अबे तेरी भविष्यवाणी फिर भी गलत जानी है। इस बात को छोड़ो तुम, अब क्या मेरी भविष्यवाणी ये कह रही है भारत की खोज कोलंबस ही करेगा। अबे ओ, ये है कोलंबस। हाँ हाँ, हमारा कोलंबस। देखो 6-7 महीने लग जाएंगे और 4 लाख का खर्चा आ जाएगा। अरे वो हम सब झेल लेंगे, लेकिन भारत की खोज अब कोलंबस ही करेगा। किंग भाई, यार मैं इसके साथ भेज दिए यार, मेरे जीने लगने का, कुछ ना कहने का, मैं इससे नाव में बैठ के चला जाऊंगा। चल तो ठीक है जा। थॉमस, जरा अपनी भविष्यवाणी करके बताना कि वो कब तक वापस लौटेंगे। मेरी भविष्यवाणी कहती है उन्हें 3 महीने और लगेंगे। अब कितना टाइम और लगेगा? लगेंगे 1.5 महीने अभी तो। अब क्या कह रही है तुम्हारी भविष्यवाणी? भविष्यवाणी कुछ नहीं कह रही है, अब क्या मैं खुद कह रही हूँ, तेरी गांड मैं ही मारूंगा, अपने जीप के जायके के चक्कर में उनकी जान को नहीं देख रहा। अबे तू मेरी भविष्यवाणी पे शक करेगा? अबे जाहिल। अबे ये दोनों तो आ गए। ले आ गए तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी वाली बात है क्या? ये अपने काम में कामयाब होकर आए होंगे, चाहे पूछ ले, भारत की खोज कर ली होगी। क्या रहा भाई? अरे कहाँ को जा रहा हो, सुन तो लो यार बात। भाई साहब, इसे क्यों भेज दिया मेरे साथ तुमने? ये साला 89 को तो 79 बताता, 59 को 69 बताता, कांडू। इससे मैंने कही भाई नाव को इधर को मोड़ ले, श्रीलंका की तरफ को मोड़ के ले गया, मेरी एक न सुनी इनने। अरे ये बताओ भारत की खोज हुई नहीं हुई? मेरा कद्दू हुई भारत की खोज, झाटू अमेरिका खोजे पड़ा। तेरी बहन का कोलंबस मारू। किंग अलेक्जेंडर, आज तुम कोलंबस को जूते से मार रहे हो, मगर मेरी बात को याद रखना, आने वाले टाइम में मेरे नाम का जूता बिकेगा, फर्स्ट कॉपी 2500 रुपये। देख भाई, करने तो मैं भारत की खोज गया था, अमेरिका की खोज धोखे से हो गई, मगर तुझे ये लिखना है
कोलंबस ने बड़ी दिक्कत परेशानी झेल के अमेरिका की खोज की और दो चार बात अपनी तरफ से लिख दिए, ठीक है? नहीं अच्छा चल ठीक है। अब कौन करेगा भारत की खोज? अरे हम खोजेंगे यार, तुम्हें दिखाई ना दे रहे हैं, हम काय के मारे हैं, हम खोजेंगे। 8 लाख रुपए दो लाओ। 8 लाख रुपए बताओ लोगे कैसे, इतना तो बजट भी ना है। अरे 4 दे हटो। 4 लाख रुपए में अभी आग लगा कर आ रहा हूँ, तुम्हें अभी मजा हाथ नहीं आ रही है। कितने का बजट है भैया? उधार पानी करके 25,000 रुपए का बजट है। चलो 25,000 में डन करो। तू कहाँ को जा रही है साले? मुझसे बहुत नाव चलवाई है ना तूने, अब मेरे साथ चल नाव चलाइए। तुम कहाँ को आ रहे हो बे? अरे हम भी जाएंगे। 25,000 रुपए मेरे मेरे खर्चे के, अपना जेब खर्चा अपना आप डालियो। अरे उस चीज की दिक्कत मत ले तू। वास्को डी गामा इधर का नजारा बहुत शानदार है, नाव जरा इधर को घुमा लो। आऊंगा भी भाई, थपड़ाऊं आके तुझे। हम राजा हैं, थोड़ी इज्जत करो हमारी। अबे साले राजा पाजा तू वहां का होगा पुर्तगाल का, लात ऐसी मारूंगा पानी में गिर जाएगा, बाजा बजा दूंगा तेरा साले। ये शर्म ना आने की, तेरे दिमागी हाथ ना आ रहा यार जब से आया। अबे इधर साले अलकायदा है, मैं ऐसी गोली मारेंगे गांड में तड़ लिया जाएगी। तो मतलब भैया अलकायदा मिले तो कभी गांड के छेद पे गोली मारे। अरे सुनो सुनो, मैं कह रहा था टाइम भी कट जाएगा और मजा भी आ जाएगा, मैं तुम्हारी भविष्यवाणी करता चलता हूँ। अगर टाइम काटना है ना, तुम हमारी भविष्यवाणी मत करते चलो, तुम हमें गांड देते चलो, सफर ऐसा कटेगा बहुत बिंदास। भाई साहब अभी तो तू वहां चुलक के आया, मुद का आया, जालिए देख कर तुझे जानता ही ना हूं मैं, हाथ चलागा पीछे जाके। मैं बैठ जा चुप। अरे मैं ये कह रहा था शिवा होटल पर रोक लेते, भूख भी लग रही है, अपना बैठ कर तफरी भी हो जाएगी। ते साला बाबला आ गया बिल्कुल। अबे तेरे बाप ने होटल खोल रखे हैं यहाँ पे पानी में, ये NH-24 है क्या है? अबे इसे चुप कर ले यार। अबे तुझसे चुप ना बैठने आता रे, हर जगह अपनी चोंच को चलाते रहेगा। चुप होकर बैठ जा बहन चोद, हमारे नसीब में रखे जना। कहाँ से टांगा लाया तूने? अगर इसके साथ शराब के दो घूंट हो जाते तो रात रंगीन हो जाती। भोसड़ी के इसके घूंट मार ले, तेरी जिंदगी रंगीन हो जाएगी। झाटू इस जंगल में तुझे शराबों की पड़ रही है, साले जूती खाने वाले काम करता बहन चुप ना बैठेगा चुप। अब किधर को जाना है? मेरी भविष्यवाणी तो इधर को कह रही है, इधर को ही तो कह रही है, बिल्कुल साफ सुथरा रोड है, चीटी का बच्चा तक नहीं मिलने का। चलो भारत को जा रही है सीधा रास्ता ये। अरे भाई साहब एक मिनट रुक ले जरा। अबे तू भविष्यवाणी करता ही क्यों है, जब तुझे पता है साली गलत जाती है, अब जेल ले ले, तेरे फूफा तेरे खालू आवे फाड़ के डाल देंगे ये। अरे यार 100 में से 99 भविष्यवाणी गलत चली जाना, क्या हो गया इसमें? अब तुम मारो इसका कोई फायदा नहीं। अब भी साला मुजोरी करे यार, यहाँ उम्र का लिहाज है, कहाँ मार देता इसकी है, समझा ले इसको। अरे मैं क्या समझाऊं इसे, मौत सामने खड़ी है। अब इनसे पूछ ले ये क्या चाह रहे हैं। ए बुल्लो लुंगा यलमुंगा कोको देसाई। ये क्या भाई? ये नाम है मेरा। आप कौन हो? मैं यहाँ का सरदार, तुम वास्को डी गामा और तुम कोलंबस हो ना? पर आप हमें क्या जानते हो? सुना है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कदम भी घर में नहीं रुकते, अभी तुमने अमरीका की खोज करी थी, अब कहाँ जा रहे हो? हम भारत की खोज करने जा रहे हैं। भारत? भारत तो यही पास में है। तुम ऐसा करो आज मेरे यहाँ रुको, तुम्हारे नाश्ते का प्रबंध करता हूँ। अरे नाश्ते कोई जरूरत नहीं है, कहाँ परेशान हो गए खामी खा, तो रहने दो। अरे नाश्ते की तो बहुत जरूरत है, मैं बहुत दूर जा रहे हैं, थक के। चलो चलो फिर। ये कौन है भाई? ये हमारे राजा है। तो भोसड़ी का फकीरों वाली हरकत क्यों कर रहा है?
भोसड़ी के चोरों वाली दिखा गई, न मानने का यहाँ पे भी जाहिल बनती दिखानी है साले को हर जगह। चल सामान जो रखा रख यहाँ को। केला भी रख दे, अपना केला मुंह में डालू तेरे। मना कर दिया, इसे लेके मत चल, मैं पहले इस पुलिस झरने को टांगा। मैं आया हूँ, पीछे लग गया झट। यार तुम्हारी सूरत देखकर मुझे बड़ा ही तरस आ रहा, बहुत पिछड़े हुए लोग हो तुम। लाओ उस्ताद अपना हाथ दो, तुम भविष्यवाणी करता हूँ, देखता हूँ तुम्हारी जिंदगी में आगे जाकर कुछ है भी है ना। ओ बेटे, आने वाले टाइम पे तुम पे एक ऐसा वाहन होगा जिसमें 4 चक्र होंगे और तेल डलने पे तुम कहीं भी घूम सकते हो उसमें, मगर अभी नहीं, 500 साल बाद। एक घोसड़ी के बॉडी शिफ्ट एलो व्हील के साथ। इनके देखता हूँ। अरे मेरी जान, आने वाले टाइम पे तुम पे तो एक ऐसा यंत्र होगा जिससे तुम कैसे चित्र देख सकते हो नंगे पंगे और कोई से भी कोने में बात कर सकते हो किसी से भी। ओ, फोन की बात कर रहा हूँ, ये 13 प्रो मैक्स कैमरा क्वालिटी जेन्युइन एकदम मजे की। उधर भाई बैठा है, कहाँ को लेके जा रहा हूँ? भाई यहीं तक वास्को डी गामा भाई तक, तुम आपसे कुछ बात करनी है। अच्छा, यहाँ बैठ कर खाना खाएंगे हम। हाँ, खाने लाओ भाई, कहाँ खाना। अबे साले, अबे यार तुझसे साले हम मना करते हैं कि भविष्यवाणी मत कर मत कर, अबे तू क्यों करता है तू? अबे साले अपनी तो बेइज्जती कराता कराता है और साथ में हमें भी जलील कराता, अबे उनकी क्या औकात है सालों के नंगे फेफड़ों की बताओ है। अबे साले मैं महाराजा हूँ, कुछ इज्जत है मेरी, सब डुबा दी तूने। ओए कितना इज्जतदार बनिया है, वहाँ कभी केले अमरूद चुरा लिया, जब तेरी इज्जत नगरी भाड़ू। अबे राजा तुझे कुछ खाने वाने को ना मिलता क्या? बनिया राजा का फलाना। और हाँ, तुम्हारे बहुत हाथ टूट रहे हैं ना मुझ पे, लो जा रहा हूँ मैं। कैसे आगा? बहुत ना हुआ है, हाथ दे के चला जाऊंगा। हाथ दे के? उस बात से तुम के लो कुछ भी दे के जाऊंगा। और हाँ, मेरी लास्ट भविष्य वाली सुन लो, जा तो रहे हो तुम मगर वापस नहीं आओगे घर। जा रहा हूँ मैं। अब हाँ जा यार, तीनों से कह रही हूँ इस बात को, मैं जा रही हूँ। हाँ जा यार। महाराजा साहब सुन लो, अब भी जा रही हूँ मैं। बहन के रोड़े सन्नाटे। सन्नाटा कह दिया। अबे रहने दे यार, ये राजा साहब की खिस्सी है, क्यों ला दिया है? राजा साहब यहाँ जल्दी चलो, सन्नाटा छा गया। अरे मिनिस्टर साहब, तुम भी रोज टाइम फूकने आ जाओ, मैं कह रही हूँ वो नहीं आने के, आओ चलो। अरे यार आंगे वो। अरे मैंने भविष्यवाणी करके देख लिया यार, मर गए वो, हड्डियों का पता नहीं उनकी। अरे यार मेरा दिल कह रहा है वो आंगे। अपने दिल को अपनी गांव में घुस लो तुम, जब मैं कह रही हूँ तुमसे, मर गए वो। अरे आगे वो, वास्को डी गामा और कोलंबस आ गए। अबे ढोंगी, तू वहाँ क्या भविष्यवाणी करके आया था कि तुम यहाँ आ तो गए हो, घर वापस नहीं जा सकते? थॉमस, कहाँ गई भविष्यवाणी, गांड में घुस गई क्या? अबे आज तक तेरी कोई भविष्यवाणी सही गई है? 100 में से 99 गलत चली जावे हैं, एक तो सही जागी। कौन सी जागी, हमें तो पता ना चली अब तक। भोसड़ी कहाँ करवा लिया ये कांड, कैसे लोड हो गई बताओ। तुम्हारी बीवी का बच्चा कोई और ही करेगा। इट्स मी। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और गाइस वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में बताओ यार जल्दी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल पे न्यू हो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन भी दबा दो, और रिलेवल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर चेक करना। एंड अगर अभी तक हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जाओ फॉलो करो।